अच्छा भैया, कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो अगर जी आप ना जी चाहे तो होगा, नहीं तो कट कर देंगे वीडियो में। बोले। शादी को लेके आगे क्या ख्याल है आपका? धू मर दे, ये एगो गर्लफ्रेंडो एक कोटो ने सिंगल टहल रहे हैं और आप बोलते हैं शादी को लेके। शादी शादी उसकी होती है जिसके खुशी का खात्मा बहुत जल्द होने को होता है। तो खुशी का घड़ा मेरा भरा नहीं है अभी तक, तो हम अभी इसी में खुश है, सिंगले चल रहे हैं, सिंगले ठीक है, ना कोई गर्लफ्रेंड है, सिंगल हैं भाई। यही यही करते रहना, आगे कुछ सोचे हैं या आगे, फिर यही आगे करना हम है, काले सोचेंगे, आगे वो सोचेगी यार कि इसके लाइफ में हम आए या न आए। लेकिन हम ये चीज़ पूछ रहे हैं भैया, जैसे अभी एक्टिंग वगैरह करते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टर है, तो यही कुछ कर रहे हैं और कुछ बदलाव भी किए सोचे हैं आगे? देखिए, समय के साथ साथ तो बदलाव होना हाँ, बहुत जरूरी जरूरी है, है। ठीक है। हाँ धीरे धीरे मैंने भी कुछ कुछ बदलाव लाए हैं अपने अंदर, बट हाँ देखते हैं कि वक्त का क्या तकाजा है, वक्त का क्या, वक्त क्या मांगती है आपसे, सो वो वक्त ही बताएगा, है ना। अब वीडियो एडिटिंग जो करते हैं हम, जैसा कि देखते हैं थंबनेल और जो एडिटिंग होता है बहुत ही बेहतरीन होता है, वो आप शुक्रिया। खुद से करते हैं या फिर आपका कोई? एडिटिंग एडिट तो हम करते हैं, जितने हाँ फ़नी वीडियोस और एंटरटेनमेंट वाले हाँ वीडियोस होते हैं एडिटिंग तो मैं करता हूँ, और थंबनेल वगैरह जो है वो सनी कुमार राणा है मेरा दोस्त, वो हाँ करता है। अच्छा सो ये अभी फ़िलहाल है। अच्छा, आप आपका इनकम कितना हो जाता है? देखिए, ऐसा इनकम हो जाता है कि पहले क्या होता था, पहले पहले मन में लगता था कि यार कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब ऐसा कुछ फील ही नहीं आता, अब ऐसा इनकम हो जाता है कि यार खुशी खुशी चार को हम मील बांट कर खा भी सकते हैं, हाँ एक हाँ दिन अच्छी पार्टी भी कर सकते हैं। सो ये अच्छी पार्टी का मतलब ये होता है कि दाल भात चोखा के हाँ हाँ साथ बिल्कुल साथ दाल बिल्कुल मुट चूड़ा भी सनेगा सनेगा और एक तरफ सत्तू भी घुड़ाएगा, घुराएगा। तो पहले हाँ ऐसा नहीं होता था, हाँ तो अभी ऐसा हो रहा है, तो इनकम इतना हो जाता मतलब है, अपने सफिशियंट। टीम से हाँ सफिशियंट, बस खुश सेटिस्फाई खुश है। हैं आप, हाँ टीम सेटिस्फाई हो गया बस काफ़ी है, काफ़ी है। एक हाँ दिन मुर्गा कटवा दिए हैं हाँ आपको भी, जैसे बुला दिए मुर्गा कटवा दिए, फॉर एग्जांपल, हाँ आइए खाओ भाई, लो लेग पीस कटो दो ठो, बस वही हो गया, यही तो पार्टी है भाई। सो गाइस, भैया से जो है मेरा इतना ही क्वेश्चन था, और भैया से चाहेंगे जहाँ आप कुछ ऑडियंस को दो शब्द बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। देखिए, दो शब्द यही कहेंगे, मेहनत करो, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है, बिना बगैर मेहनत के कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। मेहनत करोगे तो, क्योंकि मेरे को फील होता है, पहले मैं सोचता था कि ऐसे ही मतलब कर देंगे तो वीडियो वायरल तायरल हो जाएगा, लेकिन नहीं यार, एक 15 सेकंड के वीडियो बनाने में बिना, जब टिकटॉक था तब भी और अब रील्स वीडियो है फिर भी, MX टकाटक है फिर भी, या शॉर्ट वीडियोस एप्लीकेशन है फिर भी, या यूट्यूब है फिर भी, हाँ पहले ये सोचता था कि ऐसे वायरल हो जाएगा, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक मैंने एक ही दफ़ा मैंने सोचा था, जब शुरुआत थी मेरी, जब मेरे 14 फॉलोअर्स थे मात्र सारे प्लेटफॉर्म को मिलाकर, उस वक्त सोचता था कि कैसे वायरल हो जाए वीडियो, लेकिन नहीं, उसके पीछे मेहनत होती है। एक 15 सेकंड के वीडियोस में बनाने के लिए या यूट्यूब के वीडियोस बनाने के लिए, आपने देखा कितना रीटेक हाँ और हाँ टेक वो लगता है, चीज़ हम देखें। 15 सेकंड्स के एक वीडियो बनाने में मेरे को खुद को 80 और 90 टेक्स लग जाते हैं। सो सो अपने वैल्यू को पहचानिए, खुद को समझिए, मेहनत कीजिए, मेहनत से पीछे कभी मत हटिए। अच्छा भैया, एक एक चीज़ और, और वो जो आप आवाज़ किसी किसी बदल के बोल लेते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन सर हुए या कार्तिक सर हुए, कोई भी ऋतिक रोशन सर, मतलब कि वो आवाज़ पहले से मतलब कि आपको आता था या फिर कुछ अचानक कुछ हुआ? लोग कुछ लोग इसका नाम गॉड गिफ्टेड बोल दिए हैं, कुछ हाँ लोग इसको लोग बोलते हैं कि दैट यू आर गॉड गिफ्टेड। ये आपके अंदर कब से कला आया? ये बचपन से ही, मतलब जब मैं 4 साल का था तब से हाँ ही उल्टी सीधी हरकतें कर करके लोगों की मिमिक्री किया करता था, टीचर्स की मिमिक्री उतार देता था, मिस की नकलें उतार दिया करता था, ऐसे कर करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करता गया। ऑब्जर्वेशन इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर दिस इमिटेशन, सो ऑब्जर्वेशन ये मस्ट होता है, तो ऑब्जर्वेशन करते करते ऑब्जर्व करते करते सारा चीज़ मेरे अंदर आ गया। एक बार ऑडियंस को बोल दीजिए ना, ऑडियंस भाषण दूसरे, आपको बहुत बहुत प्यार है, मेहनत कीजिए काजी। हाँ तो मेहनत कीजिए, मेहनत से सब कुछ हासिल होता है, क्योंकि मैं हूँ भागलपुर की, मैंने सभी को दिल दिया, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और अपना लिया, सॉरी हमारे इंटरव्यू लिया और दो पागल गई का। सो ये आप लोगों का प्यार है, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, इस आदर्श को इतना प्यार करें और प्यार देते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। और भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, भाई बहुत ही प्यारे हैं, सवाल एकदम पूरा लिख लिख के, एकदम पूरा ध्यान में रख के, एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल ये पूछे हैं,
सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड मेरा प्रणाम बोलेगा आप अपने घर पर सबको। जरूर जरूर भैया, थैंक यू। सो आई होप यू गाइस आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल कर दे फिर आप सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दे प्रेस ताकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।